चीज से शुरू करते हाँ, हैं भाई क्या हुआ? हुआ है जरा ये बताओ तो ये चीज ना मैंने बताई नहीं थी ठीक है मेरे मेन चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बालाजी टेंपल पे ठीक है तो मैंने बताया था कि मैं वहां गया था और वहाँ क्या देखा था ये सब कुछ था तो वीडियो के अंदर मैंने मैंशन करा था कि हाँ, मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा जिसके वजह से हम वहाँ गए थे ठीक है तो लोग पूछ रहे थे कि मतलब क्यों नहीं बताया मतलब बताओ क्यों गए थे ये वो तो अब वो चीज़ ऐसी हुई है ना कि अगर मैं बताता ना तो लोग सीधा सीधा बोलते थे कंटेंट के लिए बता रहा है

ठीक है मैं हूँ और मेरे साथ एक और अपना भाई है ऋषि नाम है उसका तो हम दोनों काम करते थे तो ऋषि वहाँ पर रात को रुक जाता था ठीक है तो हमारा ऐसे चलता था कि दिन में मैं काम कर रहा हूँ रात को वो कर रहे थे डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता था तो मैं चला जाता था घर अब हमारा हमारा टाइमिंग्स बिल्कुल ऑफ़ है कि हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है रात के तीन बजे जिम जा रहे हैं ये कुछ कर रहे हैं तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि बोलता कि भाई कुछ ना आवाज़ आ रही है रात को आती है सोता हूँ ना मैं उल्टी सीधी आवाज़ आती है खटपट खटपट की ठीक है दोनों सोचे भाई चूहा तो नहीं घुस गया पूरा चेक कर लिया कुछ नहीं ठीक है सब चेक कर लिया कोई पाइप आवाज़ नहीं कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा ठीक है और तब तो हमारे ऊपर कोई रहने भी नहीं आया था ठीक है फर्स्ट फ्लोर पर हम ग्राउंड फ्लोर पे हमारा तो यहाँ पे उसने बोला कि ऐसे ऐसी आवाज़ आती है तो तीन चार दिन हो गए हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ आपको नहीं आई थी अभी तक आवाज रात को आती थी मैं तो घर चला जाता था ऋषि रुकता था ठीक है ठीक है काम वाम करिए मैं तो चला जाता था तो आवाज आती थी तो हम थोड़ा सोचने लगे कि हो क्या रहा है ठीक है तो मेरे को अपना वो इंसिडेंट याद आ गया घर वाला जो लास्ट टाइम आता तो जो लास्ट एपिसोड हमने बात पॉडकास्ट में बात करी थी हमने ठीक है तो मैं दोबारा डर गया मैं भाई ये क्या चीज है ठीक है तो समझ नहीं आ रहा उसके बाद फिर हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि हल्की हो गई चीजें ठीक है क्योंकि मेरा तो होता है भाई ऋषि फेस कर रहा है मैं तो कर नहीं रहा <laughs> ज्यादा होगा तो फिर डरूंगा मैं ऋषि संभाल लेगा ठीक है तो एक दिन ऐसी रात को काम वाम करके हमने सोचा कि भाई जिम चलते हैं ठीक है दो बजे रात के हम बैठे तो हमने ना गेट पे लगाया ताला हमारा गेट है वो स्टील वाला ठीक है वो बड़ी वाली चाबी होती है ना तीन बार घुमाना पड़ता है ठीक है वो वाला है तो लगाया और हम लेके चले गए मैं गाड़ी में बैठा ऋषि बैठा ऋषि ने वो चाबी उठा के रखी उसमें ग्लव कंपार्टमेंट होता है था ना गाड़ी में उसमें डाला और वो मेरे को याद है मेरे को अच्छे से याद है वो विजल उसने डाली है गाड़ी में डाली उसने चाबी हम गए जिम तो हाँ उस दिन क्या हुआ था ये ये चीज़ ना मेरी मम्मी लाई थी नहीं, मम्मी ने दिया था कि पहन ले थोड़ा मतलब फल बुरी नज़र से बचाएगा आ, ऐसा ही कुछ रीजन है तो उस दिन उसी दिन लाई थी मम्मी तो उस दिन मैंने पहना हुआ था गले में डाला हुआ था ठीक है तो हम जिम गए जिम में घुसा मैं तो शर्ट के यहाँ से ना धागा निकल रहा हूँ उसका धागा निकाला तो धागा धागा है बस कि मतलब वो टूट गया ठीक है ये चीज़ हुई तो मैं भाई शर्ट ये तो गड़बड़ हो गया आज ही खरीदा था फिर जिम विम करा वापस जा रहे घर करके रास्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया हमने हमारे जस्ट सामने हुआ कि मतलब अगर हम एक मिनट पहले निकले होते ना तो एक बाइक वाला था उसको किसी ने ठोक दिया था हम एक मिनट लेट या जल्दी निकले होते हो सकता था हम ठोक देते उसे क्योंकि वो चला ऐसे रहा था तो वो ठुका उसको उठाया उठाया सब कुछ संभाल समूल के पुलिस उलिस बुला के हम गए फिर स्टूडियो स्टूडियो गए चाबी चेक करी चाबी भी गए चाभी नहीं मिल रही मैं भाई ये जिम में छोड़ाया होगा ठीक है गाली सुनी उसने फिर हम गए जिम में पहुंचे वहाँ पे ढूंढी वहाँ पे नहीं मिल रही चाबी फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ ढूंढी कहीं नहीं मिल रही चाबी ठीक है तो मैंने ऋषि को बोला देख अब चाबी तो तूने खो दिया है कल लेकर आइयो चाबी वाले को सुबह सुबह अभी तेरे को घर छोड़ देता हूँ मैं मैं भी घर जाऊँगा तो गया उसको घर छोड़ के वापस आ रहा था मैं तो स्टूडियो के सामने से निकल रहा था मैं तो अंदर लाइट जल रही थी तो मैं सोचा कि वो जलती रहती है मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था ठीक है ऑन रहती है तो मैं सोचा कि हो सकता है वही कहीं गिरा दियो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं गया मैं ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ तो हमारा ना जाली का गेट है वो स्टील वाला जो है तो मैं इसे चेक करते करते अंदर लाइट जल रही थी मैंने अंदर देखा अंदर फ्रिज के ऊपर वो चाबी का जो की चेन है वो दिख रहा है मुझे जाली के थ्रू कैसे अंदर, अंदर, मैं है ठीक है? मैं भाई ये क्या चीज़ हो रही है समझ नहीं आ रहा ठीक है अब वो जाली के थ्रू ढंग से दिख नहीं रहा मैं मैं ऋषि को फोन कर रहा हूं भाई चाबी अंदर है पर क्या बात कर रहा है मैं चाबी मेरे को दिख रही है फ्रिज के ऊपर रखी हुई दिख रही है मेरे सामने है ठीक है ऋषि उधर से बोलता भाई इसका मतलब तो एक मतलब

तो हमें लगा कि चाबी गिरी होगी कोई अंदर घुस गया है उसने बंद कर लिया है ठीक है अब ऋषि और मैं भाई साहब हमें अंदर कोई है हमें टाइम हमें भूत वूत तो दूर दूर तक नहीं आया दिमाग में मैं भाई चोर है कोई कोई तो अंदर है तो वहां से जाते जाते गार्ड को बोला इस घर पे नजर रखना मैं ऋषि को लेके आया डंडा चाकू लेके हम खड़े हुए गेट के बाहर सिर्फ दो लोग हम हाँ रेडी भाई अंदर जो होगा वो गया आज देखी जाएगी पुलिस केस वगैरह ठीक है दरवाजा तोड़ और मैं चला गया इंस्टाग्राम लाइव कंटेंट कंटेंट फटी में भाई ये, ये क्या सीन है भाई, भाई लाइव भाई, चले सीख रहे में, में भाई, भाई, भाई। <laughs> अरे हमें वहां पे अच्छा हाँ इंस्टाग्राम लाइव वाली चीज से पहले ना आ गया था दिमाग में भाई भूत भूत तो नहीं है क्या चल रहा है तो ऐसी जस्ट इन केस ठीक है तो गया दरवाजा तोड़ रहे हैं हम ये देखा है ऑडियंस ने लाइव ठीक है तोड़ के अंदर घुसे हैं चीख रहे चिल्ला रहे आ मार दूंगा ये वो पूरा कर दे खाली सामान वैसा वैसा रखा हुआ है इंटैक्ट भाई वो तो गेट भी बहुत हार्ड होता है तोड़ना हाँ। तो तोड़ा हमने खुड़काया उसको जोर जोर से हिलाया है कि भाई ये कैसे बंद हो गया खुद से अंदर घुसा मैं फ्रिज के ऊपर वो चाबी रखी हुई है और मैंने लैंडलॉर्ड को फोन करा उस दिन लैंडलॉर्ड ने भी देखी थी सुबह सुबह वो लाइव स्ट्रीम उसका दरवाजा तोड़ रहा हम ठीक है तो हमने वो चाबी देखी हमने लैंड को फोन करा मैं सर इस घर की एक ही चाबी थी ना आपने हमें दी थी था हाँ एक ही थी तो ऐसा भी नहीं कोई और चाबी हो कुछ हो भाई हमारा दिमाग घूम गया उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है ठीक है रात को आवाजें आ रही है भाई हमारे अप्लाइंस खराब होने लग गए थे एकदम से लाइट और वो आप रिसेंटली मूव इन हुए थे वहां पे हाँ, हाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था हमारी हालत हो गई खराब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या चल रहा है अब ना उस घर में रुका जा रहा है ना काम करा जा रहा है ना शिफ्ट करा जा रहा है तो मेरा एक दोस्त है तो उसने बोला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हुआ है ठीक है तो हम गए थे बालाजी ठीक है वहाँ पे गए थे उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई थी उसके अगले दिन ही भाई गाड़ी उठा के हम गए हैं वहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे हमने सब कुछ देखा है कि भाई कैसे कैसे वहाँ पे पोजेस्ड लोग होते हैं सब कुछ होता है थोड़ा बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा हाँ तो वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हाँ भाई मंदिर है हनुमान जी का चलेंगे ठीक है वहाँ पे सुबह सुबह पहुँचे चार बजे हम तो परेशान भैया हो क्या रहा है और मैं तो डबल परेशान हो गया सुबह, सुबह लाइन लगती है ठीक है जमीन पे बैठना पड़ता है चार घंटे बैठे फिर अंदर घुसे ठीक है अब वहाँ पे चीज क्या होती है कि सुबह सुबह आरती होती है वहां पे अर्ली मॉर्निंग ठीक है उससे पहले लाइन में लगे रहते हैं जैसी आरती शुरू हो जाती है सारे खड़े हो जाते हैं वो और जैसे ही वहां पे आरती शुरू होती है भाई भीड़ के अंदर से जो लोग है ना वो एकदम एकदम से से चीखने चिल्लाने लगते हैं ये ये रियल हमने खुद देखा ये सारी बालाजी की स्टोरीज मैंने सुनी थी मैं बिलीव नहीं करता था इनमें बट मैंने वो सामने सामने देखा हम बहुत सारे लोग है मतलब हजार दो हजार लोग है भाई सड़क पे खड़े हुए आरती शुरू होती है वहां पे कोई कहीं से चीख रहा है कोई कहीं से चीख रहा है कोई कहीं से चीख रहा है और हमारे बगल से ही लेके गए उनको सबसे पहले ले जाते हैं आगे अच्छा। उनको लेके गए लोग कोई गिर रहा है पड़ रहा है चीख रहा है किसी की आवाज़ बदल रखी है कुछ और रखा है फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं फिर हम मंदिर के अंदर घुसे तो पहला मंदिर है जिसके अंदर जाते हैं पूजा वूजा होती है तो उसके बाद एक पहाड़ी है उसके अंदर पहाड़ी के अंदर चढ़ते हुए जाते हो ना तो छोटे 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 मंदिर होते हैं और टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजेशन के वो उनको वहाँ रखा जाता है उनको उसको कोर्ट रूम बोलते हैं बेसिकली ठीक है वहाँ पे ठीक होते हैं सब कुछ होता है हो, तो वहाँ पे सबसे वर्स केसेस होते तो हम वहाँ तक गए थे और हमने सब कुछ देखा है भाई लोग चीख रहे चिल्ला रहे बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली मेरे को लगा था ऐसे तीन चार पाँच छः होते होंगे बहुत सारे बहुत सारे और एक और अपने आप को हार्म भी कर रहे थे वो कुछ किसी तरीके से जैसे चिल्लाना हो गया जैसे दीवार में सर मारना हाँ मतलब ऐसे बैठे हुए हैं सर घुमा रहे हैं पागल हो रखे हैं हाथ पी, हाथ पैर मार रहे हैं जमीन पे जोर जोर से उनके घर वाले साइड में बैठे हुए बैठे हुए चुपचाप ऐसा भी होता नहीं काफी लोगों को बांधा होता है जंजीरों से लोग मतलब ज्यादा ऐसा कुछ देखा था बट वही था कि उनके घर वाले साथ में तो शायद वो कई जले जाते पकड़ लेते होंगे ये वो तो घर वाले भी बैठे हुए हैं ऐसे कि भाई अब तो भगवान ही ठीक करेंगे ऊपर और वहां मजाक नहीं कर रहा वहां पे एक एनर्जी है वहाँ पे ऊपर जाके सबसे मंदिर में माथा टेका है मैं रोया हूँ मैं रोया हूँ भाई सब रो रहे हैं और निकलते आंसू ऐसा लगता है सारे जितने पाप करे ना सारे धुल गए हैं या ऐसा कुछ फील होता है भाई बहुत अलग होता है और पहाड़ी से ना सारे चुपचाप नीचे आते हैं चुपचाप अच्छा सही है तो ये सारी चीजें हुई थी तो उसकी वजह से बालाजी गए थे उसके उसके बाद ये वीडियो डाली थी जब उसके पास उसके बाद जब वापस आए तो फिर फ्लैट में में अपार्टमेंट में कुछ सब आ, कुछ आवाजें आई सब सब क्लियर कट शांत उसके बाद फिर पूजा वूजा भी करी भगवान भगवान की मूर्ति वगैरह रखी तो उसके बाद से उसी में बजरंग बली जी के यहाँ चले गए तो फिर थोड़ी कोई पावर टिकेगी तो जो मैं भक्त बनाऊ सही ऐसा लग रहा है जान बचा ली मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम पे और ये स्टोरी ना मैं इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि ये वही है जो एक्सपीरियंस ना, ना, है। है हाँ, हाँ। ना मैं भी अब यार हाँ। हाँ। इतना होता है ऐसी कुछ होगा होगा हो गया हो, दूसरी चाबी होगी नहीं थी दूसरी चाबी वो ही थी हाँ। तो ये सारा सीन हुआ भाई लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपने कुछ स्पेशल पूजा वगैरह करवाई अपने लिए या बस आप माथा टेक कर आ गए वहां जाना पहुंचना माथा टेकना ही

हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे आपका बुलावा है तभी आप जा तभी सकते हो जा ही नहीं सकता जाते हो और वहां पे भी जो एम एनर्जी थी महाकाल मंदिर में हाँ, हाँ. नेक्स्ट लेवल हम साथ ही थे और

लेकिन इतना डेडिकेटेडली नहीं मानता था मतलब दिल से नहीं मांगता था उनसे मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को वैसा था ये सब कुछ होने के बाद मेरे को ट्रूली समझ आया कि क्या पूरी लाइफ है क्या एसेंस है लाइफ का क्या मीनिंग है सब कुछ हुआ उसके बाद तो भाई अब भगवान के भरोसे है सब <laughs> वैसा ऐसा सीन <सीड़> है <laughs> चलो ये बहुत बढ़िया हुआ भाई